उधर यमुनानगर के कन्हैया साहिब चौक पर एक स्कूटी सवार महिला को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी पर सवार महिला और उसकी बच्ची ट्रक की चपेट में आ गई और महिला की 9 साल की बच्ची पहिए के नीचे आ गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक की लापरवाही के चलते ही ये हादसा हुआ है। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच आरम्भ कर दी है। टेलीफोन आया कि कन्हैया चौक से पहले तो एक्सीडेंट हो गया। ट्रक वाला ने एक एक्टिवा पे लड़की और उसकी मदर जा रही थी, उनको एक्सीडेंट कर दिया और लड़की एट द स्पॉट पूरी हो गया। कार्रवाई के लिए आई हुई भेजें, जिस पर मैं अपने साथी कर्मचारियों के साथ वहाँ पहुँचा हूँ और ट्रक वहाँ कब्जे में ले लिया है और एक्टिवा भी वो अपने उसमें ले के मौका मुलाजा हम स्टार्ट कर रखे हैं और हम पीछे इसमें हॉस्पिटल में पहुँचे हैं अभियान लेने के लिए। अभी जैसी कार्रवाई होगी उन लड़ाई जाएगी। एक्टिवा पर सवार महिला के बारे में क्या है? महिला भी वो अभी डॉक्टर साहब से राय लेने लग रहे हैं उसके, अगर वो बयान देने के काबिल होगी तो उनके बयानों पर हम पर्चा देंगे। तो ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया, ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, ट्रक कब्जे में ले लिया। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।